तो जैसे हमने आपसे एक न्यूजरियम के ही एपिसोड में बात किया था कि मॉबिस की मूवी से रिलेटेड ढेर वैसी अपडेट्स आई हैं, या फिर डायरेक्टर ने ही सभी चीज़ों का कंफर्मेशन कर दिया है, जिन सभी चीज़ों को हम पूरा डिटेल में ही एक वीडियो बनाकर आपके सामने ला कर पटक देंगे। तो यही वाली वो वाली वीडियो है जिस वाली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मॉबिस की मूवी से रिलेटेड जो भी खिचड़ी पक रही है सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी चीज़ों को पूरा ही डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं ताकि आप कभी भी बोर ना हो। खैर, और ज्यादा प्रमोशन ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फॉर ऑब्वियस रीजन हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के लीक के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपको अगर नहीं पता है तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का लीक अभी फिलहाल इंटरनेट पर चल रहा है, जिन सभी चीजों को हम पूरा डिटेल में ही बात करेंगे इसके पोस्ट क्रेडिट सीन यानी कि मिड क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन के बारे में। तो सबसे पहले मिड क्रेडिट सीन के बारे में ही बात कर लेते हैं, जहां पर वल्चर को ही हमें इस मूवी में जैसे फीचर किया जाएगा। इसकी ही एक इनिशियल स्टोरी को हमें इस मूवी में या फिर इस फ्रेंचाइजी में ही कंटिन्यू होते हुए दिखाया जाएगा। जी हाँ, सोनी ऐसी प्लानिंग कर रही है कि वो दोबारा से सिनिस्टर सिक्स की मूवी प्लानिंग कर रहा है, यानी कि हम जैसे सोच रहे थे कि एमसीयू में हमें सिनिस्टर सिक्स की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सोनी में ही वो सिनिस्टर सिक्स की प्रोजेक्ट चल रही होगी। क्योंकि हमारे पास जैसी अपडेट आई थी कि इस वाले मूवी में हमें वल्चर और मॉबिस का टीम अप होता हुआ टीज किया जाएगा, जो कि फ्यूचर की मूवी में जाकर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो सबसे पहले मिड क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का वही वाला स्पेल का थोड़ा बहुत झलक मिलेगा, जिसको कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था, यानी कि वो वाली पर्पल सी लाइटनिंग को हम देखेंगे जो कि आसमान में चमक रही थी, यानी कि जिसका मतलब यही था कि उससे ही डिफरेंट यूनिवर्स से विलन इस वाले यूनिवर्स में आ रहे होंगे। तो कुछ उसी तरह ही वेनम के वर्स में यानी कि मॉबियस के वर्स में ही हमें ऐसा देखने को मिलेगा, और मैं इस चीज को गलती से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर ने ही इस वाले चीज को कंफर्म किया है कि मॉबियस की यूनिवर्स असल में वेनम की यूनिवर्स से बिलोंग करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो वेनम और मॉबियस एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कि डायरेक्टर ने ही कंफर्म किया है। अभी तो रुको, और भी सारी डिटेल्स होंगे जिसको कि हम आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन बात करते हैं वही वाले मिटेड सीन के बारे में। तो वही वाले पर्पल से क्रैक को हम आसमान में देखेंगे, और कुछ ऐसे सिनेरियो दिखाए जाएंगे जिससे कि हमें ये चीज़ कंफर्म की जाएगी कि हमारे यूनिवर्स का यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स का वल्चर यानी कि माइकल कीटन वाला वल्चर इस वाले मॉबियस यूनिवर्स में आ जाएगा, और ऐसे सीन को वो ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे कि जैसे एमसीयू के यूनिवर्स में वो एक प्रिजन की सेल में था, कुछ उसी तरह ही इस वाले यूनिवर्स में भी जो वो आएगा वो एक प्रिजन की सेल में ही पाएगा। ओह माय गॉड, व्हाट द राइमिंग स्किल। तो ऐसे ही वल्चर जब इस वाली यूनिवर्स में एक सेल में पाएगा, तो सभी पुलिस वाले इसके रिकॉर्ड को खंगालने की कोशिश करेंगे, और जैसे पता है उस वाली यूनिवर्स में उसने क्राइम किया रहेगा, लेकिन वैनम के यूनिवर्स में इसमें कोई भी क्राइम नहीं किया होगा, इसलिए ही इसको छोड़ दिया जाएगा, जिसको कि हमने ट्रेलर में छोटे से झलक में देखा था। तो कुछ उसी तरह ही इन सभी चीज़ों को आगे लीड किया जाएगा, और मिड क्रेडिट सीन यहीं पर ही खत्म होती हुई नजर आएगी। तो ऐसा है, तो इस वाले लीक को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि जो भी सभी ट्रेलर के डिटेल्स में हमें वल्चर को देखा था, वो सभी चीजें एक मिड क्रेडिट सीन का ही पार्ट हो सकती है, लेकिन मूवी में क्या होगा इसकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं आई है। लेकिन बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन के बारे में। तो जब मूवी के सभी इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही माइकल मॉबियस डेजर्ट पर ही एक गाड़ी को चलाता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें ही वो एक मिस्ट्रियस वॉइस को सुनेगा। तो इसको वो डिस्कवर करने के लिए ही वो कार से बाहर निकलेगा, तो वो पीछे देखेगा कि वल्चर अपने एक नए सूट में खड़ा हुआ है, और मॉबियस से वो मदद मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमें स्पाइडरमैन से बदला लेना होगा, और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रहेगी। और यहाँ पर ही ये वाले एंड क्रेडिट सीन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये एक क्लिफहैंगर के साथ खत्म किया जाएगा कि हमें फ्यूचर की मूवीज में स्पाइडरमैन और वल्चर और मॉबियस का एक टीम अप देखने को मिलेगा, यानी कि स्पाइडरमैन वर्सेस वल्चर और मॉबियस का टीम अप देखने को मिलेगा। तो ये तो थी वो सभी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिटेल्स, लेकिन इसके बारे में मेरा रिएक्शन अगर आप पूछो तो मैं तो कहूंगा कि इस वाले मूवी को भी सोनी कुछ कुछ वैसे ही बना रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वेनम 2 के जैसे, जहाँ पर वो वाली मूवी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। और मैं तो यही कहूंगा कि वेनम के ही वो वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को ही दिखाने के लिए मूवी को जल्दी जल्दी में खत्म किया गया था। कुछ उसी तरह ही मॉबियस के साथ भी मूवी ऐसे ही करते हुए नजर आएगी, क्योंकि डायरेक्टर ने ही अगर ऑफिशियली सभी चीजों को सबके सामने खुलासा कर दिया है
तो मूवी का हाइप आप समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि मूवी को करीब करीब 6 बारी डिले किया गया था। और ऐसे में जब एक टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी उसमें मॉर्बियस की मूवी को बिल्कुल ही बकवास सभी क्रिटिक्स ने बताया था। और मुझे लगता है इन सभी नेगेटिविटी से बचने के लिए ही डायरेक्टर ने सामने आके इस मूवी से रिलेटेड, इसके यूनिवर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए हैं। जहाँ पर मैंने आपसे बात किया था कि इसके यूनिवर्स में एक अल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन और स्पाइडर वुमेन भी एग्जिस्ट करता होगा, और इसके बारे में मैं बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मूवी के हाइप को बढ़ाने के लिए ही इन सभी चीज़ों का खुलासा किया गया होगा। लेकिन मार्क करने वाली जो बात थी कि डायरेक्टर ने ये भी चीज़ कंफर्म की है कि हमें इस वाले यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन को एग्जिस्ट होते हुए दिखाया जाएगा, यानी कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में हमें पता चलेगा कि इसके यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है और वो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं होने वाला। तो ऐसे में हो सकता है टॉबी मैग्री वाला स्पाइडरमैन या फिर एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स का पार्ट होते हुए दिखाएं, लेकिन हो भी सकता है वही वाले एक्टर इसके स्पाइडरमैन की कैरेक्टर को प्ले करे, लेकिन वो एक डिफरेंट यूनिवर्स का ही स्पाइडरमैन होगा। मेरा मतलब कहने का यह है कि मल्टीवर्सल जैसे एग्जिस्ट करता है तो ऐसे में एक ही एक्टर दो दो कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं या फिर सेम ही कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं दो दो यूनिवर्स के दो दो स्पाइडरमैन होते हुए। तो हो सकता है फ्यूचर की मूवीज में हम ऐसे ही देखने को मिले कि शायद से एंड्रू गारफील्ड ही इस यूनिवर्स का पार्ट होते हुए दिखाया जाए, लेकिन हमें ऐसा कहा जाएगा कि जिस वाले अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज को हमने पिछले वाले मूवीज में देख रखा था, ये वो वाला स्पाइडरमैन नहीं बजाय इसके एंड्रू गारफील्ड के शक्ल जैसा ही एक डिफरेंट ही अल्टरनेट यूनिवर्स का ही स्पाइडरमैन है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। आप इसके यूनिवर्स का कौन से स्पाइडरमैन का पार्ट होते हुए देखना चाहते हो, और जैसे सोनी इस चीज को प्लानिंग कर रहा है कि इसके ही फ्यूचर में जाकर हमें सिनिस्टर 6 की मूवी दिखाई जाएगी, तो ऐसे में आप कौन से वेरिएंट के स्पाइडरमैन को देखना चाहते हो इसके यूनिवर्स का पार्ट होते हुए, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा बात करते हैं इसके ही सक्सेस के बारे में, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये वाले मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, बजाय इसके सोनी वापस से वही वाली गलती कर रहा होगा जैसे कि उसने अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज के साथ किया था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जैसे वो सिनिस्टर 6 की प्लानिंग कर रहा था और उसको बनाने के लिए वो इतना हाइप्ड अप हो गया था और जल्दबाजी में सभी चीज़ों को जैसे मैस्ड अप कर रहा था। मुझे डर है कहीं ना कहीं वो मॉर्बियस के साथ ऐसे भी ना कर दे, क्योंकि मॉर्बियस जैसे सभी डिटेल को और लीक को देखकर पता चल रहा है कि असल में ये एक मूवी की तरह प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, बजाय इसके एक बिल्डअप की तरह ही प्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पर उसको एक मूवी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा है जैसे कि मार्वल हमेशा करता आता है। यानी कि मार्वल जैसे एक मूवी को मूवी के पर्सपेक्टिव से ही देखता है और फ्यूचर में इसके कनेक्टिविटी को फाइंड करता है, लेकिन सोनी मुझे लगता है यहाँ पर कुछ उल्टा ही कर रहा है, जहाँ पर ये एक मूवी की तरह ना देखकर बस इसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देख रहा है, जहाँ पर इसकी स्टोरी को शायद से आगे कनेक्ट किया जाएगा। और ऐसे में मुझे लगता है सोनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा धैर्य रखते हुए सिनिस्टर 6 की मूवी प्लानिंग करनी चाहिए। खैर, सभी चीज़ों के बारे में आपको अगर पता चल गया हो तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और इस वाले वीडियो में अगर आपने मेरी ज़्यादा ही बकबक सुनी थी तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा बैकअप आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में इस वाले वीडियो से विदा लेते हैं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।